उत्तर प्रदेश में भले ही राम, गाय, बुलडोजर, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान चुनाव का एक बड़ा मुद्दा रहा हो, लेकिन इन सबसे अलग एक मुद्दा और था जिसको जाने अनजाने में बीजेपी ने अनदेखा कर दिया और उसकी वजह से बीजेपी को जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा है। जानकारों की माने तो इस लोकसभा चुनाव में सरकारी नौकरी, रोजगार और पेपर लीक एक बड़ा मामला था, लेकिन बीजेपी इस मामले को समझने में गलती कर दी। 2017 में जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उस समय से ही कुछ खास वैकेंसी नहीं निकाली गई। इस बीच 69,000 शिक्षक भर्ती मामले भी खूब तूल पकड़ता दिखा। अभ्यर्थियों ने इस धरती को लेकर सालों लड़ाइयां लड़ी, कोर्ट पहुंचे, आंदोलन किया, लेकिन इसके बावजूद भी ये मामला अब तक खत्म नहीं हुआ है। इससे अलग यूपी में संविदा कर्मियों का एक वर्ग ऐसा भी है जो सरकार से काफी नाराज चल रहा है और अलग अलग समय पर इसको लेकर प्रोटेस्ट चलता रहा है। कुछ दिन पहले डायल 112 में काम करने वाली संविदा कर्मियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, लेकिन उस मामले में भी कुछ खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। लेकिन जानकार कहते हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा डैमेज बीजेपी को कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले ने किया है। पिछले कुछ समय सालों से तैयारी कर रहे युवाओं का पता चला कि यूपी में पुलिस भर्ती निकलने वाली है, लोग तैयारियों में लग गए, लेकिन एग्जाम के बाद पता चला कि पेपर लीक हो गया है। हालांकि पहले तो सरकारी अफसर इस बात को महज हवा हवाई बनाते में जुट गए, लेकिन बाद में इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो सरकार हरकत में आई और पेपर लीक को लेकर जांच शुरू हो गई और जांच में जो कुछ निकल कर आया उसके बाद पेपर कैंसिल कर दिया गया। पेपर कैंसिल करने के बाद सरकार ने री एग्जाम करवाने का फैसला तो किया, लेकिन इसको लेकर विद्यार्थी काफी नाराज थे और सरकार को सबक सिखाने का मौका तलाश रहे थे। जानकारों की माने तो यूपी के युवा जो एक समय सीएम योगी और देश के प्रधानमंत्री मोदी को एक ताकतवर नेता के तौर पर फॉलो करते थे, वही उनके रोजगार पॉलिसी की ओर उदासीनता देखकर बीजेपी से छिटकते नजर आए। हालांकि चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर बीजेपी के जो कैंपेन चल रहे थे उसमें तो दावे किए जा रहे थे कि पेपर लीक मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये है मोदी सरकार की गारंटी, लेकिन लगता है कि एक बड़ा तबका बीजेपी के इस गारंटी से सहमत नहीं हुआ और बीजेपी के खिलाफ मतदान कर गए। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।